परमेश्वर का अनुरोध करने के लिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इंटरनल सिक्योरिटी डीएवी स्कूल के छात्र एवं छात्राओं की टुकड़ियां परेड पर परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान। से ये जवान खड़े हुए हैं हॉस्टल से तैनात करते हुए निदेशक महोदय से अपने पोशाक में हमेशा की तरह हो गया है वही सिलसिला, सिर पर पीली टोपी के साथ कलगी, नीली टोपी, लाल कलगी और परंपरागत सलेटी रंग में हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के जवान और सफेद पोशाक में स्कूल के बच्चे कदम से कदम मिलाकर अपने परेड मार्च पर आगे बढ़ लीड कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर जेयू खान और उसके पीछे सेकंड प्लाटून जिसको लीड कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के एस राय और इंटरनल सिक्योरिटी को लीड कर रहे हैं कैप्टन नरेंद्र सिंह। और धीरे धीरे खाकी वर्दी जो छुप जाती है किसी भी भीड़ में कहीं पर भी और दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के जवान सलेटी रंग की परंपरागत पोशाक में आगे बढ़ते हुए और सलामी देते हुए कैप्टन नरेंद्र सिंह अपने राष्ट्रीय ध्वज को मुख्य अतिथि सलामी लेते हुए और स्कूल के बच्चे मैडम को दे दिया। इस संबंध में सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में सूचित कर दिया गया था। फोन की सुपुर्दगी को खुश होकर मैडम ने इनाम के तौर पर 100 रुपए देने चाहे लेकिन विनोद कुमार ने बड़ी विनम्रता से उस 100 रुपए लेने से इनकार कर दिया। फिर एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। मैडम ने 100 रुपए वो पोस्ट में रख दिए और सोचा कि शायद ये समय शर्मा रहे होंगे, बाद में ले लेंगे, किंतु अपनी ईमानदारी का और अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए विनोद कुमार ने इसकी सूचना अपने कंट्रोल रूम में दे दी और वो 100 रुपए मैडम को वापस कर दिए गए। तो ऐसे हैं ये इंटरनल सिक्योरिटी के जवान। एक बार जोरदार तालियां बजाएं गेल गांव के निवासी इनकी मुस्तैदी के लिए और गार्ड सुखपाल सिंह जो हमेशा ही अपने अनुशासन ईमानदारी पूर्वक कार्य वर्दी पहनाव उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करते रहे हैं। और गेल डीएवी के स्कूल के बच्चों को उनके विशेष योगदान के लिए पुरस्कार। एसआई सुरेश कुमार प्लाटून कमांडर इंटरनल सिक्योरिटी के जवान मुख्य ध्वज को सलामी करते हुए मुख्य अतिथि सलामी स्वीकार करते हुए और इसके बाद स्कूल के छात्र प्लाटून नंबर 3 को दाहिने अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में सलामी देते हुए